नोटबंदी के कुछ समय बाद से ही आशंका लोगों को रह कर सता रही थी कि 2000 रुपए का नोट जल्दी सर्कुलेशन से बाहर हो जाएगा। 2000 के नोट को वापस लेने की आशंका कहां से शुरू हुई है ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन सरकार की ओर से कई मौकों पर ऐसी किसी संभावना को खारिज किया जा चुका है। बता दें कि 10 अगस्त 2018 को ही सरकार की ओर से साफ किया गया था कि 2000 के नोट को वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लोकसभा में पूछा गया था क्या सरकार जल्दी 2000 के नोट को वापस लेने पर विचार कर रही है। ऐसा सवाल के बाद वित्तीय राज्य मंत्री राधाकृष्णन ने कहा ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। 2000 रुपए के नोट को वापस लेने की कुख्यात भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से 28 नवंबर 2018 को जारी किए आंकड़ों में हवा मिली। इन आंकड़ों के मुताबिक सर्कुलेशन में जो करेंसी है उसमें 9 नवंबर और 23 नवंबर के बीच 11,600 करोड़ की कमाई आई। विशेषज्ञों के मुताबिक करेंसी की कमी का ये ट्रेड 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने की वजह से आया है। असल तस्वीर जानने के बाद पीएम न्यूज़ के तहत भारतीय रिजर्व बैंक में याचिका दाखिल की। इस याचिका में प्रिंट किए जा रहे 2000 के नए नोटों के आंकड़े की जानकारी मांगी गई। आरबीआई ने इस याचिका को करेंसी नोट प्रेस को भेज दिया। प्रेस से जवाब मिला वो प्रकार है, उपलब्ध रिकॉर्ड्स के मुताबिक आरबीआई ने करेंसी नोट प्रिंटिंग नासिक को 2000 रुपये मूल्य के नए नोटों को छपने का कोई ऑर्डर नहीं दिया, इसलिए वो प्रिंट नहीं किए गए। 500 के नोटों को लेकर मांगी गई जानकारी पर करेंसी नोट प्रेस ने जवाब दिया कि 500 रुपये के मूल्य के 3,565 मिलियन नए नोट भारतीय रिजर्व बैंक को 14 सितंबर 2018 को डिस्पैच किए गए। इसमें यह कहा गया कि 500 रुपये के नए नोट की प्रिंटिंग लागत 2.81 रुपये है, तो 2000 रुपये के नोटों की प्रिंटिंग अभी भारतीय रिजर्व बैंक ने बंद कर दी है। ऐसी आशंका जता रही है कि आने वाले साल में 2000 के नोट पर भी बंदी आने के आसार है। पीएम न्यूज़ 24 की रिपोर्ट।